हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्वल आरघोड़े वेक्टर एकेडमी की ओर से आयोजित इस इंटरव्यू में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस इंटरव्यू में मैथ्स के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा है, मैथ्स के विषय में बच्चे बहुत सी परेशानियों को फेस करते हैं, तो उनको क्या परेशानी होती है या उस परेशानी से कैसे बाहर निकले, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं प्रीतेश सर से। दोस्तों, प्रीतेश सर पिछले 4 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो IIT गुवाहाटी से पास आउट हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो मैथ्स पढ़ाते हैं और बच्चों को उनमें मैथ्स पढ़ने में बड़ी रुचि भी आती है। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीतेश विश्वास सर से। हेलो सर। हेलो सर। सर, अक्सर हमने देखा है कि बच्चे मैथ्स या सब्जेक्ट से डरते हैं या उन्हें उससे परेशानी होती है, तो आप मैथ्स के फैकल्टी होने के कारण आप मैथ्स के बारे में कैसे सोचते हो? एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने आपके इस प्रोग्राम में हमें बुलाया है। वेलकम सर। एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि स्टूडेंट तक मैं पहुँच सकूँ। आपने जैसे बोला है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्टीज होता ही है, हमेशा से रहा है मैथ्स का एक डर, हमेशा से सबके मन में, सबके नहीं तो भी 60% स्टूडेंट के मन में ये मैथ्स डर आगे भी रहा है, अभी भी है, तो ये सिलसिला जारी है। तो इस चीज़ को हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैथ्स से थोड़ा सा रिलीफ मिल सके या फिर वो थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे। एंड ऑफ द वीडियो उनको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपका जो सवाल था कि मैथमेटिक्स को आप कैसे देखते हो, तो मैथमेटिक्स को सर मोस्ट ऑफ टाइम हमने सुना है सबने कि मैथ्स में अगर फार्मूला लर्न कर लिए, पार्ट कर लिए, तो शायद अच्छे से हम मैथ्स का स्कोर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ नॉट मेमोराइजिंग। हम बहुत बार यही गलती कर बैठते हैं कि मैथ्स को मतलब याद करने की कोशिश करते हैं, उसको पार्ट करने की, बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं। बट मैथमेटिक्स को बाय हार्ट नहीं करना, मैथमेटिक्स को सीखना है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स रियल एक्सपीरियंस जो है अपने लाइफ में, उसी को अपने लाइफ में यूटिलाइज करना, जो रियल एक्सपीरियंसेस है उसी को यूटिलाइज करना, दैट इज हाउ मैथ्स। मैथमेटिक्स एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है सर। मैथमेटिक्स को मैं समझता हूँ कि जो कोई भी डिफिकल्ट करके चीज़ों को सामने प्रेजेंट करता है, तो किसी एक बड़े आदमी ने कहा है, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है कि इफ़ यू आर टीचिंग इन अ मैथमेटिक्स इन अ टफेस्ट वे, देन यू आर डूइंग द मीन्स ग्रेटेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड। अब दुनिया का सबसे मतलब एक जूम कर रहे हैं, क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न, मैथमेटिक्स बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है। आप देखिए सर, जैसे आपका क्वेश्चन था कि मैथमेटिक्स में बच्चे डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन ये क्या हमेशा करते हैं क्या? जैसे बच्चे छोटे होते हैं, आपके घर में जो बच्चे रहे होंगे या फिर आप जब छोटे रहे होंगे, आप खुद के बारे में पूछिए, खुद से पूछिए, मैं जब छोटा रहा होंगे या कोई भी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जब हम छोटे थे उस टाइम पे हमें मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था, फिर धीरे 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 मतलब प्राइमरी ख़त्म हुआ एंड देन हम हाई स्कूल में इंटर करते गए और मैथमेटिक्स हमें डिफ़िकल्ट होने लगा और मैथ से हम एक तरह से दूरी बनाने शुरू कर दिए, मतलब कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब दिक्कत हो रहा है, अब मैथ से दूरी बनाने। बहुत सारे जैसे स्टूडेंट अपने पास आते हैं, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अपने करियर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को, मेरा करियर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ लेकिन फिर भी जितना अब तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि पेरेंट्स जैसे आते हैं कि सर इसके ना मैथ्स में बहुत दिक्कत है, मेरे बेटे के या बेटी के मैथ्स में बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा देखिए, तो क्या रीज़न रहा है? अब जब उनसे आप पूछिएगा ना कि बचपन से आपका मैथ्स में दिक्कत था, बोलेंगे नहीं, 5th तक 6th तक 7th तक कई मतलब एक स्टेज तक उसका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा रहा होगा, मतलब मैथमेटिक्स में उसकी जो दिलचस्पी रही है शुरुआत में रही है, धीरे धीरे कम हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये अपने को ढूंढना पड़ेगा, आपको और मुझे मिलकर इस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके हम उस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे। तो इसके पीछे का जो मैं समझता हूँ बेसिक रीज़न यही है कि शुरुआत में जब छोटे होते हम, तो उस टाइम पे हमें सिखाने के बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से हम चीज़ें सीखते हैं, काउंटिंग करना, उंगली फिंगर के गिन के सिखाते हैं, या फिर कुछ और तरीके यूज़ करते हैं क्रिएटिव। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स हुआ वेक्टर में, वहाँ पे जो मैथमेटिक्स सिखाया गया है बहुत इनोवेटिव तरीके से सिखाया गया, ताकि आप रियल एक्सपीरियंसेस कैसे ले सके। तो इस तरीके से हमें शुरुआत में सिखाया जाता है। जैसे हम थोड़े से बड़े हो गए, अब हमें क्या होता है, करिकुलम ऐसा डिज़ाइन है कि हमें क्वेश्चन मतलब कि ये फार्मूला लर्न कर लो, वो फार्मूला लर्न कर लो, एक बार बच्चा लर्न करना शुरू किया कि बस उसका मामला वहीं पे गड़बड़ा हो जाता है।
जो थोड़ा सा उसको समझने में एकदम कैपेबल है वो तो कर लेता है, लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्निंग होने लगता है एक टाइम के बाद वो बस्ट होने लगता है। अच्छा। और वहीं पे आ जाती है डिफिकल्टीज। हाँ। और ये एक मेन रीज़न रहा है, और कई सारे रीज़न है, जैसे किसी को अच्छा टीचर नहीं मिला। अच्छा। लेकिन ये कैसे सबके साथ नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रभात किड्स है राइट, तो स्कूल के साथ कैसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़े हैं। हाँ। तो यहाँ के बच्चों को वो दिक्कत नहीं है, माने टीचर वाली दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डिफिकल्टीज जाता है। तो ये सारे कई सारे रीज़न फैक्टर रीज़न मतलब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि क्यों अपना मैथ्स धीरे 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 कमज़ोर हो रहा है, इसके पीछे का यही रीज़न है जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा सर, अक्सर देखा है हमने कि जैसे बच्चों को 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, बराबर है, मराठी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, SST होता है, साइंस होता है, लेकिन बच्चे अक्सर मैथ से ही डरते हैं, तो वो क्यों डरते हैं, इसका क्या रीज़न है? ओके सर, अच्छा इसके पीछे का 2-3 रीज़न है। हाँ। एक तो जैसे मैंने अभी बोला, बाकी सब्जेक्ट सर उतना लॉजिकल नहीं होता जितना मैथमेटिक्स होता है। अच्छा। मैथमेटिक्स काफ़ी लॉजिकल है, मतलब आप पूरा लॉजिक ही है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। आपने ये चीज़ कई बार लोगों से सुना होगा कि जिसका मैथ्स अच्छा है वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेता है या कोप अप कर लेता है बहुत जल्दी से। हाँ। और ये बात फैक्ट है राइट। तो अब बाकी जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया एंड देन इंग्लिश हो गया, इन सारी चीज़ों में ना आपको लॉजिक यूज़ नहीं करना। अच्छा। आपको वहाँ पे कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है, चीज़ों को स्टोर करना है, बट मैथमेटिक्स में आपको चीज़ों को यूटिलाइज करना है, ठीक है? तो जब यूटिलिटी की बात आती है तो थोड़ा सा मतलब दिमाग को खपाना पड़ता है, और नोबडी इज़ रेडी टू पे द हार्ड वर्क, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सक्सेसफुल, सबको मैथ्स अच्छा करना है लेकिन कोई मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है कि मैथ्स से धीरे धीरे मतलब उनका इंटरेस्ट जाता रहता है, क्योंकि जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, 3रा ट्राई किया नहीं हो रहा, 4था ट्राई किया नहीं हो रहा, 5वां ट्राई किया नहीं हो रहा, हटाओ छोड़ देते बोलते राइट, छोड़ दिया हमने, तो जब आपने गिव अप कर दिया तो फिर वो चीज़ें कैसे अच्छा हो पाएगा। तो मतलब आपको क्या कर? उसके पीछे का जो आपने बोला है कि बाकी सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स टफ है क्या, तो ऐसे अगर देखा जाए तो टफ तो है थोड़ा सा, बाकी सब्जेक्ट थोड़े से कंपेरेटिवली ईजी होते हैं, सारे सब्जेक्ट ईजी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली मैथमेटिक्स जो है बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, बट उस डिफ़िकल्टीज़ को हम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते, तो वो चीज़ नहीं करना है। हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिनको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैथमेटिक्स मतलब डिफ़िकल्ट तो क्या सर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है तो कम डिफ़िकल्ट है, नहीं ऐसा भी नहीं है, कम डिफ़िकल्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर वेरी करेगा कि आप किस नज़र से आप देखते हो। किसी किसी का आप देखिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फिजिक्स अच्छा नहीं होता, केमिस्ट्री अच्छा नहीं होता, या फिर जो मैथ्स बहुत अच्छा कर रहा है वो बायोलॉजी नहीं करता, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक जनरली जो है, एक जनरली अगर एक मतलब स्टूडेंट का तबका देखा जाए तो मैथमेटिक्स मोस्ट लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि मैथमेटिक्स ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा अप्लाइड है। अच्छा। तो उसके वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टीज लोगों को फेस करना पड़ता है। और अहम बात यह है कि 100 out of 100 मार्क्स इसी सब्जेक्ट में मिला जी सर, यही एक ये भी एक आप पॉइंट बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स में ही आप फुल स्कोर कर सकते हैं। आप हिंदी में पूरे के पूरे लेना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन मैथ्स में आप इजीली, क्यों? क्योंकि आया तो पूरा, नहीं आया तो कुछ नहीं। सर और एक प्रश्न बड़ा सता रहा है कि जैसे मैथ्स डिपेंड करता है फॉर्मूलाज पे, तो बच्चों को फॉर्मूलाज लर्न करने में बहुत दिक्कतें जाती है। ओके। या उनके परेशानी होती है, तो इससे आसान तरीका क्या है बच्चों को फॉर्मूला लर्न करने का? ओके सर, देखिए कैसे कोई चीज़ों का जो शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट कभी ज़्यादा सही नहीं होता। चीज़ों में आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसे करके शॉर्टकट है, आप लर्न कर लीजिए, हो जाएगा। मैथ के फॉर्मूलाज लर्न करने में लर्न ही क्यों करना है, पहली बात तो ये है कि लर्न ही क्यों करना है, आप उसको समझिए ना, मतलब मेमोराइज क्यों करना है। आपका जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि याद रखने में दिक्कत जाता है, याद क्यों करना है? चीज़ों को आप इस तरीके से समझ के पढ़िए। अच्छा। उसको लर्न करने की जरूरत नहीं। लर्न जब मतलब आप जब उसको मेमोराइज करेंगे, लर्न करेंगे, लर्न का मतलब अलग है। जो हम लर्न इंग्लिश में करते हैं ना, लर्न करके आना बेटा कल आपसे पूछेंगे, तो वो बाय हार्ट हो गया, वो लर्न नहीं है। लर्न करने का मतलब आपने उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझा है, उसकी जो सेंटेंस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को अगर आपने समझा है तो फिर वो डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कोई भी फार्मूला है, कोई फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ ये हम नहीं पढ़ते, ये हम नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इतना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन बाबा क्यों है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों है? अगर ये चीज़ अगर समझ गए
तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगा। मतलब आपको क्या खोजना है, आपको यू हैव टू फाइंड कि ये आया कहाँ से। हाँ। ये चीज़ इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है और कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है और कहाँ पे अप्लाई करना, ये दो चीज़ के बीच में अगर कोऑर्डिनेट जो गैप है ना, वो गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम क्या करते हैं, दिया है पेपर के ऊपर उसी को पढ़ लेते हैं। नहीं, वो नहीं, उसको आया कहाँ से उसको पढ़िए ना, उसको पढ़ेंगे तब जाके आपको डिफिकल्टीज नहीं जाएंगे, तब आपको ईजी लगेगा, तब आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया सब्जेक्ट कुछ और नहीं है। अच्छा, और सर बहुत से मैंने देखा है कि जब एग्ज़ाम होती है बच्चों की तो मैथ्स का पेपर होता है, तो उस समय बच्चों को मैथ्स का पेपर सॉल्व करने में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। ओके। तो कम समय में मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व करें या उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे फिक्स करें? देखिए सर, ये टाइम मैनेजमेंट का कैसे, जैसे हम JEE को पढ़ाते हैं तो JEE में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस होता है। वैसे स्कूल के, मतलब जितने टाइम दिया जाता है स्कूल के पेपर में, दैट इज़ सफिशिएंट, उतना मतलब उतना तो उस टाइम के अंदर आपका हो ही जाता है, मोस्ट ऑफ लोगों का हो जाता है। लेकिन जैसे JEE के टाइम पे जो JEE या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, जो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इंटरव्यू के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जामिनर ऐसे सेट करते हैं कि वो आपको देख के लगता है कि मैं ये सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। हाँ। आप आपने देखा होगा कि JEE का जो पेपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों हाँ। को इक्वल वेटेज होते हैं और सब में अभी जो रिसेंट पैटर्न है 25 25 25 क्वेश्चन है। हाँ। मतलब लगभग आपको 2-2.5 मिनट आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर मिलता है, 3 घंटे का पेपर है, राइट। तो आपको उस टाइम के अंदर सॉल्व करना है, तो जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। इफ़ इट इज़ टेकिंग मोर देन दैट टाइम व्हाट वी डिसाइडेड, मतलब जो डिसाइडेड टाइम है उससे ज़्यादा अगर टाइम लगा है उसको स्किप कर दीजिए। पहले आप वो क्वेश्चन करिए जो क्वेश्चन आपको ईजिली जल्दी हो सके। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पैटर्न है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि एग्जाम में जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे कि आपको देख के तो लगेगा कि मैं सॉल्व कर लूँगा इसको, डेफिनेटली आप कर लेंगे, लेकिन आपके पास है 2.5 मिनट और आप उसको लगा रहे हो 6-7 मिनट सॉल्व करने में, और आप सॉल्व करोगे तो आ भी जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आप सोचो इस बीच में आपका 2 क्वेश्चन का नुकसान हो गया, माने 4-4 8 नंबर का सीधा नुकसान हो गया। हाँ। एक के जगह पे, तो ऐसे क्वेश्चन से टैकल करने से बेहतर है कि आप उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे, जो जो आपको जम रहा है पहले, जो जो आपसे सॉल्व हो पा रहा है उसको पहले सॉल्व करिए। हाँ। और उसके बाद जब आपके पास टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद उसको यूटिलाइज करिए। और कई बार क्या होता है, जैसे आप सॉल्व करने लगे इजी क्वेश्चन को, अगर पहले आप सॉल्व कर लेते तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। अच्छा। उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आपसे होने के चांसेस है, लेकिन आप पहले ही क्वेश्चन में अगर अटक गए तो इस बात की थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाता है कि जो क्वेश्चन आपको आते भी होंगे वो क्वेश्चन में भी आप थोड़ा सा लड़खड़ा सकते हैं। हाँ। और मे बी देयर इज सर्टेन चांस कि आप उस चीज को भी गलत, एग्जैक्टली गलत करके आए। और जैसे आप एग्जाम के टाइम पे और एक चीज बहुत ध्यान रखना होता है कि JEE जैसे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेक होती है। एक आपका पेशेंस लेवल, क्यों, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से पहला 1-2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ बच्चे गलती करते हैं, और गलत करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर को पहले रखा जाता है। अच्छा। तो आपको सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करना है, उसकी मतलब आपकी पेशेंस लेवल को भी चेक किया जाता है कि कितने आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइम का जो आपने पूछा है उसके ऊपर तो मैं यही बोलूँगा, एक तो आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए थोड़ा सा। अच्छा। प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे। मतलब JEE का जो सर पेपर होता है, जो मैथ्स का पेपर होता है या बाकी पेपर भी होते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं होता है। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, बट एक स्टैंडर्ड जो आपको अगर कम में ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं या फिर आपके कम पढ़ाई में भी आप ज़्यादा स्कोर करने हैं, तो उस केसेस में आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करना है। सारे अटेम्प्ट करेंगे तो मे बी लेने का देना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसा भी मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका समय बचेगा। बिल्कुल सही बात। हाँ। पर्दे के पीछे जितना आपने प्रैक्टिस करा है, पर्दे के सामने उतना ही आप उभर के आगे आएंगे। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि डे टू डे लाइफ में मैथ्स का क्या इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ये बड़ा ही अहम सवाल है सर आपका। यही तो है मैथमेटिक्स। डे टू लाइफ में आप और मैं बैठा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, राइट। तो इस रिकॉर्डिंग में कितने टाइम लग रहे, टाइम मैथमेटिक्स है, राइट। आप घर से आए हैं, गाड़ी से आए हैं, आपकी गाड़ी ने पेट्रोल लिया, कितने रुपये पेट्रोल का लीटर है,
वहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, राइट। आप घर साबुन खरीदने जाते हो, कितनी कीमत है, कीमत वहाँ पे भी आ गया। अब घर बांधना है आपको, होम लोन चाहिए, कितने इंटरेस्ट लगेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, जो भी है, सिंपल इंटरेस्ट, जो भी है, मैथमेटिक्स आ गया। माने आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं, सारे एक्टिविटी में सर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के बगैर तो कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स इज़ द आई ऑफ साइंस, मतलब साइंस की वो आँख है, दोनों आँखें हैं। मतलब मैथमेटिक्स आपके डे टू डे लाइफ में ऐसा कहीं पे नहीं है सर। आप यहाँ से चल के जाएंगे, कितने कदम चल के जा रहे, कितने दूरी चल के जा रहे, आप कितना किलोमीटर चल के आए, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी, आपको वहाँ से इतने टाइम के अंदर पहुँचना है, आप मतलब कितने टाइम के अंदर पहुँचना है, कितने स्पीड से आप जाए, सारा मैथमेटिक्स है। ये तो हो गया छोटे लेवल पे डे टू डे लाइफ में। अगर आप बड़े लेवल पे देखेंगे, ये इतने बड़े बड़े मिसाइल छोड़ते जाके टारगेट पे हिट कैसे करता है, सारे मैथमेटिक्स में है। ये जो चंद्रयान छोड़ते हैं, मंगलयान छोड़ते हैं, टाइम पे कैसे पहुंच पाते, मैथमेटिक्स है, सारे मैथमेटिक्स है। पैराबोलिक पाथ, आप जो गाने बनाते हो, म्यूजिक बनाते हो, आइगन वैल्यू का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट का यूज़ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे जगह पे सर मैथमेटिक्स के बगैर तो आप मान के चलिए कि मतलब मैथमेटिक्स के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं, आप ये मान के चलिए। मतलब व्यक्ति का जो जीवन है वह मैथ से घिरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छे मार्क लाने के लिए आप क्या टिप्स बताएंगे? अच्छा सर, देखिए मैथमेटिक्स सीखने का एक ही मंत्र है, एक ही फार्मूला है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा उभर के बाहर आओगे। हाँ, अब जैसे एवरेज स्टूडेंट है, समझने में दिक्कत हो रहा है, इन दैट केस मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई स्टूडेंट, कोई टीचर से आप कंसल्ट करिए, उनको उनके साथ ज़्यादा टाइम, मतलब जो भी आपके डिफ़िकल्टीज है उसको शेयर करते जाइए। आप थोड़ा ज़्यादा टाइम बैठिए, बाकी लोगों को एक घंटा लग रहा होगा चीज़ों को समझने में, आप डेढ़ घंटा बैठिए, राइट। तो एक बार जैसे जैसे धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आपको खुद को ही फील हो जाएगा कि नहीं, अब मेरा मैथमेटिक्स सही आ रहा है, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर आप खुद से ही वो चीज़ें सीख पाएंगे। तो इनिशियल स्टेज पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसे टीचर को पकड़िए, ऐसे टीचर के साथ अपने आप को मतलब लिंक करिए कि जो आपको हमेशा हेल्प कर सके, राइट। और दूसरा, आप अपना टाइम बढ़ाइए, प्रैक्टिस बढ़ाइए, एंड देन दूसरा थिंग, जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको अपने रियल लाइफ में यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप चीज़ों को सीखने के एक नया एटीट्यूड डेवलप करेंगे, तो उस तरीके से आपका इंटरेस्ट भी, एक बार आपका इंटरेस्ट बढ़ गया धीरे धीरे, फिर तो आपको क्या ही कहना, फिर आप खुद ही उस चीज़ में मतलब आपको बिना बोले ही आप करना शुरू करेंगे। मतलब धीरे धीरे आपका मैथ्स के बारे में जो नज़रिया है वो बदल जाए। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। मैथ्स को देखने का जो आपका वो एक अप्रोच है, उस अप्रोच को आप पॉजिटिव में लाइए। पहली बात तो ये है, जिन लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है, जिन लोगों ने अपने मन के अंदर एक घर बना के रखा है कि मैथ्स हमसे हो नहीं पाएगा, तो पहले इस फोबिया को बाहर निकालिए, अपने आप को बोलिए कि नहीं, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ ये चीज़। आप आईने के सामने खड़ा होकर बोलिए कि नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा या करूँगी, मैथमेटिक्स हो जाएगा मेरे से, ऐसी कोई बात नहीं है। डेफिनेटली आप उस चीज़ को आप अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप उसके ऊपर जैसे काम करना स्टार्ट करेंगे, मैथ्स को रोज़ थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपका और अच्छा होता जाएगा। मैं जब स्कूल में था तो मुझे भी मैथ्स से डर लगता था। अच्छा, हाँ सर, करियर पॉइंट ऑफ व्यू मैथ्स का क्या इम्पोर्टेंट है? ओके सर, ये तो सर देखिए, जैसे कई सारे स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सर मुझे JEE नहीं करना है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे नीट पे जाना है, मेडिकल पे जाना है, मैथ्स का क्या काम है। कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर मुझे IAS की तैयारी करनी है, तो मैथ्स का क्या काम है। तो इन सभी स्टूडेंट, जो लोग IAS की तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, या फिर जो स्टूडेंट नीट की, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगला दूसरा कोई फील्ड में, आप जैसे MPSC हो गया, CGL हो गया, ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उन सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अभी फील हो रहा होगा कि मैं तो उधर जाऊंगा, मुझे क्या काम है। लेकिन सर जितने भी सारे एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होता ही है, और आपको उसको अच्छे नंबर के साथ पास करना होता है। एप्टीट्यूड में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, सीक्वेंस, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो सारा पोर्शन आ जाएगा। मतलब 8th, 9th, 10th में जो बच्चे अभी है, जो स्टूडेंट अब पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि बेटा ये जो 8th, 9th, 10th है, इसको तो आप इतने अच्छे से पढ़ो कि आगे आपको डिफ़िकल्टीज ना हो। क्यों? क्योंकि आप नीट में जाओगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, वहाँ पे एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बेशक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपका मैथ का काम ना पड़े, लेकिन फिजिकल में आपको मैथमेटिक्स का काम पड़ेगा।
फिजिकल में आपको वहाँ पे लॉगरिथम का काम पड़ेगा, ये लॉगरिथम मैथमेटिक्स का, माने मैथ्स में जो चीज़ सीख रहे हो वहाँ पे उसका एप्लीकेशन कर रहे हो। अब फिजिक्स में आपको वहाँ पे हर जगह पे न्यूमेरिकल दिखेंगे सर, न्यूमेरिकल के बगैर फिजिक्स है ही नहीं। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो मतलब आप जो चीज़ मैथ्स में सीखते हो उसको बाकी जगह पे यूटिलाइज करते हो, तो अगर पहले सीखोगे ही नहीं तो यूटिलाइज कैसे करोगे। तो मेडिकल वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत से स्टूडेंट जो मेडिकल में जाते हैं उनका फिजिक्स वीक होता है, उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि उनका मैथमेटिक्स वीक है। जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उनका फिजिक्स स्ट्रांग है, ये दोनों एकदम कोरिलेट चलते हैं, ये स्ट्रांग तो वो स्ट्रांग, ये वीक तो वो वीक। तो इसलिए जो 8, 9, 10th में है, जो फाउंडेशन में है, उनको मैं बोलूँगा कि आप मैथ्स को काफ़ी स्ट्रांग करो जितना कर सकते हो आप अभी के लिए। उसके बाद जैसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो गया, उसमें एक होता है सीसेट का एग्ज़ाम, तो सीसेट अब क्वालिफाइंग हो गया, बट क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। हाँ, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। मतलब हम कॉम्पिटिटिव में भी जाते हैं तो रीजनिंग उसमें था। एग्जैक्टली सर, रीजनिंग है ही, हर जगह पे रीजनिंग है, एप्टीट्यूड रीजनिंग ये जो है, और इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, आपको सीखना ही पड़ेगा। हाँ, आप बेशक हायर मैथमेटिक्स मत सीखिए, बहुत जो हायर मैथमेटिक्स है वो मत सीखिए, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स का दायरा है उसको आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले आपसे बात की इस विषय में कि व्यक्ति हो या स्टूडेंट हो कोई भी, उसका पूरा जीवन मैथ से घिरा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बराबर है। हेलो दोस्तों, हमने आज प्रीतेश सर से बात की है, और मैथ्स के जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसमें जो दिक्कतें आती है या हम उसके बारे में जो परेशान होते तो उससे, उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले, इस विषय में हमने आज प्रीतेश सर से बात की, और प्रीतेश सर ने भी हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करो मैथ्स की। यदि अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मन में डर बैठा हुआ है वो डर भी मैथ्स का निकल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू प्रीतेश सर। थैंक यू सो मच सर।